टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अपने सफर का समापन किया। भारतीय एथलीटों के द्वारा पैरालंपिक 2020 में 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 19 मेडल अपने नाम किया और अपने देश भारत का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, यह बहुत खुशी की बात है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय एथलीटों के द्वारा ऐतिहासिक प्रदर्शन किया गया और इसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 19 मेडल जीत करके अपने और अपने देश का नाम रोशन किया। दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी किस किस खेल में ये सारे पदक जीते हैं, और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं तो उनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देखिए। तो यह टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक है। तो मतलब अभी तक जितने भी भारत ने पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है उसमें से यह टोक्यो पैरालंपिक 2020 ही भारत के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा, क्योंकि इसमें टोटल 19 मेडल आए हैं और साथ ही साथ इसमें 5 गोल्ड मेडल आए हैं। पदकों की शुरुआत भाविना बेन पटेल ने सिल्वर मेडल के साथ की, जबकि अंत कृष्णा नागर गोल्ड मेडल के साथ किया। तो दोस्तों, यह एक जानकारी है कि पदकों की जो शुरुआत हुई है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, वह भाविना बेन पटेल के द्वारा, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल के साथ में किया था। और इसका जो अंतिम मुकाबला था उसमें से कृष्णा नागर जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके इसको समाप्त किया है। तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भी इसी प्रकार का हुआ था। भारत की शुरुआत मीराबाई चानू के द्वारा सिल्वर मेडल से शुरुआत किया गया था और अंतिम जो हुआ वह नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल के साथ हुआ था। तो यह भी आपको जानकारी ध्यान रखना, उसी प्रकार के यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक में भी हुआ है। शुरुआत हो गई है सिल्वर के साथ में और लास्ट हो गया गोल्ड मेडल के साथ में। अब जानते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। तो पहला जो मेडल आया था वह था भाविना बेन पटेल के द्वारा और यह सिल्वर मेडल के रूप में आया था। दोस्तों, भाविना बेन पटेल के बारे में आपको पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहीं से आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो भाविना बेन पटेल सिल्वर मेडल भारत को सबसे पहले दिलाई थी टोक्यो पैरालंपिक में, और यह टेबल टेनिस खेल से संबंधित है या टेबल टेनिस खेल खेलती हैं। दूसरा मेडल निषाद कुमार के द्वारा सिल्वर मेडल के रूप में भारत को मिला, और निषाद कुमार भारतीय एथलेटिक्स ने ऊंची कूद में यह सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। तो निषाद कुमार दूसरे नंबर में रहे जो भारत को मेडल दिलाए, और इन्होंने ऊंची कूद में यानी हाई जंप में यह मेडल जीता है। अवनी लेखरा, अब अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल दिलाया पैरा शूटिंग में। 10 मीटर की जो राइफल पैरा शूटिंग होती है उसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, और ये जयपुर की रहने वाली हैं। तो अवनी लेखरा के द्वारा भारत को टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया। योगेश कथुरिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीत करके अपना नाम रोशन किया। तो योगेश कथुरिया जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और ये डिस्कस थ्रो के खेल में यह पदक जीता है। तो डिस्कस थ्रो के द्वारा, इस खेल के द्वारा इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो योगेश कथुरिया ने पुरुष डिस्कस थ्रो में यह पदक जीता, और ब्राज़ील के बेरिस्टा डोन्स सेंटोस ने गोल्ड मेडल। तो ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं बेरिस्टा डोस सेंटोस, इन्होंने गोल्ड जीता। उसके बाद में योगेश कथुरिया हैं डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय। देवेंद्र झाझरिया, अगला जो नाम है वह है देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीत करके अपना नाम रोशन किया, और ये जेवलिन थ्रो में यह पदक जीते हैं। तो आपको ये भी जानकर ध्यान रखना है कि जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया हुए। देवेंद्र झाझरिया एकमात्र पैरालंपिक एथलीट हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक भी जीते हैं। पहला है 2004 में एथेंस ओलंपिक, और दूसरा जो है इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में भी ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो देवेंद्र झाझरिया जो हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये एकमात्र ऐसे एथलीटिक हैं जिनके नाम पर
एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक भी हैं, 2004 में और 2016 में। सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को, और ये जेवलिन थ्रो में ही दिलाया है। तो जेवलिन थ्रो के खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारत के सुंदर सिंह गुर्जर रहे। सुमित अंतिल, इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया भारत को और अपना नाम भी साथ ही साथ रोशन किया। तो सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल दिलाया है, और ये भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में यह भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया। इसके साथ ही आपको ये भी जानना है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में यह भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल दिलाए थे। तो सुमित अंतिल भारत को दूसरा गोल्ड मेडल टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो के खेल में जीत करके दिलाया। सिंहराज सिंह अडाना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके अपना नाम रोशन किया। तो सिंहराज ने निशानेबाजी के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में यह पद जीता। तो सिंहराज ने जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और यह निशानेबाजी के 10 मीटर के एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में यह पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो मरियप्पन थंगावेलु जो है वो सिल्वर मेडल जीती गए हैं, और इन्होंने यह हाई जंप में जीता है। तो हाई जंप के खेल में मरियप्पन थंगावेलु ने यह जीता है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में हाई जंप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो मरियप्पन थंगावेलु रियो ओलंपिक 2016 यानी 2016 में हाई जंप में ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और इस बार के जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुआ इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया, वो भी हाई जंप में। शरद कुमार, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो शरद कुमार जो हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये हाई जंप में यह पदक को जीते हैं। तो हाई जंप में मरियप्पन के बाद में इन्होंने यह पदक जीत लिया है। इनका नाम है शरद कुमार। प्रवीण कुमार, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो प्रवीण कुमार सिल्वर मेडल विजेता बने। हाई जंप में इन्होंने यह मेडल को जीता है, और ये जो है प्रवीण कुमार वह यूपी के कानपुर शहर के रहने वाले हैं। तो प्रवीण कुमार हाई जंप में सिल्वर मेडल जीते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रहने वाले हैं। अवनी लेखरा, दोस्तों अवनी लेखरा ने फिर से ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को और अपने नाम को रोशन किया है। इन्होंने 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इन्होंने जो है दूसरी बार जो जीता है उसमें ब्रॉन्ज मेडल के रूप में जीता है, और यह 50 मीटर राइफल में। तो इससे पहले इन्होंने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ही। तो पहली बार इन्होंने जो जीता था वह गोल्ड मेडल जीता था इसी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, वो भी 10 मीटर राइफल में। लेकिन बाद में इन्होंने फिर 50 मीटर राइफल में पार्टिसिपेट किया, और इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीत करके भारत की झोली में एक और पदक डाल दिए हैं, और इन्होंने तीरंदाजी के रिकर्व इवेंट में यह पदक को जीते हैं। तो तीरंदाजी में रिकर्व इवेंट में इन्होंने यह ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानना है कि पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज भी बने हैं। तो तीरंदाजी जो है उस खेल में पैरालंपिक में पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय भी बने हैं, हरविंदर सिंह, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनीष नरवाल, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है निशानेबाजी में, तो मनीष नरवाल के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, और यह निशानेबाजी में जीता गया। 19 वर्ष के नरवाल ने निशानेबाजी की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को तीसरा गोल्ड मेडल टोक्यो पैरालंपिक में दिलाया। तो दोस्तों 50 मीटर के पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और भारत को इसी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया। सिंहराज सिंह अडाना, दोस्तों सिंहराज सिंह अडाना ने फिर से सिल्वर मेडल जीत करके अपना नाम रोशन किया। इस बार इन्होंने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा यानी कि निशानेबाजी में
इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ही ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। तो पहले ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं और बाद में 50 मीटर के पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया। प्रमोद भगत, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो प्रमोद भगत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया और ये बैडमिंटन के खेल में यह पदक को अपने नाम किया है और फाइनल मुकाबला में ब्रिटेन की डेनियल बेथेल को हराया। फाइनल मैच में इन्होंने ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हरा करके गोल्ड मेडल जीत करके अपना नाम रोशन किया और साथ ही साथ अपने देश भारत का भी नाम को रोशन किया प्रमोद भगत ने। मनोज सरकार, ब्रॉन्ज मेडल के विजेता, यानी कि मनोज सरकार जो है वह ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं और इन्होंने बैडमिंटन के खेल में ही यह ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इन्होंने जापान के देसु के फुजिहारा को हराया। तो फाइनल मैच में जो हुआ कांस्य पदक मुकाबला में उन्होंने जापान के देसु के फुजिहारा को हराया था और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सुहास यथिराज ने सिल्वर मेडल जीत करके अपना नाम रोशन किया और इन्होंने भी बैडमिंटन के खेल में ही यह पदक जीता है। दोस्तों फाइनल मुकाबले में फ्रांस के लुगास माजूर से कड़े मुकाबले में हार करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिए हैं और ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं या रिलेटेड हैं। ये बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं सुहास यथिराज। दोस्तों इनके बारे में एक चीज़ को और जानना है कि सुहास जो हैं नोएडा के जिलाधिकारी भी हैं, यानी कि DM डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि नोएडा के जिलाधिकारी सुहास यथिराज हैं। कृष्णा नागर, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके भारत के तरफ से इन्होंने सफर का समापन किया, यानी कि कृष्णा नागर जो है गोल्ड मेडल जीते बैडमिंटन के खेल में और फाइनल में हांगकांग के चू मान काई को हरा करके भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो कृष्णा नागर भारतीय सफ़र की शुरुआत गोल्ड मेडल जीत करके किए और इन्होंने फाइनल मुकाबले में हांगकांग के चू मान काई को हराया और इसी के साथ टोक्यो पैरालंपिक 2020 का समापन भी हो गया। और दोस्तों खास बात यह है कि समापन समारोह के दौरान भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी अवनी लेखरा। ये भी याद रखना है अवनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक रही समापन समारोह की और ये अवनी लेखरा जो है वह 19 वर्ष की निशानेबाज है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। साथ ही साथ समापन समारोह के दौरान भारतीय दल की ओर से 11 एथलीटों ने भाग लिया। मात्र 11 एथलीट जो है प्रतिभागी जो है उन्होंने ही समापन समारोह में भाग लिया और समापन समारोह के दौरान भारतीय दल की जो ध्वजवाहक रही वह अवनी लेखरा रही। ये भी याद रखना। तो दोस्तों इस प्रकार से टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत के लिए अब तक की सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक है और इसमें भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 19 मेडल अपने नाम किए।